याद कर ले डेटोतार 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 बोलो ना निकालता हूँ जब तू भी उतार समझा लड़की बच रहा है लड़की बच रहा है चल 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 ऐसा नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, आपसे ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर, दीजिए। हाँ, जिस किसी ने भी फोन किया था, थैंक्स। फिर कभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फोन करना, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके तुरंत भेजो। ए खान, कोई दो लड़के एक स्कूल मास्टर का स्कूटर चोरी करके मापसा की तरफ जा रहे हैं, जा पकड़ो उन्हें। तुम इसे कह रहा हो, क्या हुआ? वो मैटर बाद में, पहले ये मैटर देखिए। आपका ट्रांसफर ऑर्डर सर, मापसा से 2 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में, उधर ट्रांसफर कर दिया है साहब। आप जा रहे हैं तो मुझे बहुत फील हो रहा है। ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम कैंसल ऑर्डर ही चाहते हो ना, आ जाएगा। तुम्हारे पणजी जाकर लौटने तक टेबल पर होगा। हर घर में एक पिछवाड़ा भी होता है बच्चे, जो कभी कभी काम आता है। मैं अभी वही कर रहा हूँ। क्यों, जाओ। यस सर। हैप्पी बर्थडे। ये हाथ पहले ही मिलाते तो तुम्हारे ट्रांसफर नहीं होती। मैं तो अभी भी हाथ नहीं मिला रहा हूं। तुमने जिसको फोन करके ट्रांसफर करवाया है उसी को फोन करके ट्रांसफर रुकवाओ। जल्दी तुम ट्रांसफर करवाओगे और मैं कागज हाथ में लेकर चला जाऊंगा। कहा था ना मैंने बेल्ट खोला तो तुमसे बड़ा गुंडा हो। जान बचाना चाहता है तो फोन कर। ए, रुको ना रुको। अरे कोई मंत्री को फोन लगाओ जल्दी। हेलो, एंगेज आ रहा है। फिर से कर। जल्दी मंत्री को दूसरे लाइन पर फोन लगाओ। कर रहा है मंत्री का घर। हाँ अच्छे हैं, दत्तू जी से बात करो। भैया भैया हेलो। दत्तू हैप्पी बर्थडे। हेलो कि आप बाहर में मेरी जान खतरे में है। तो पार्टी कब दे रहा है? पार्टी की बात बाद में, पहले इंस्पेक्टर शिवानी का ट्रांसफर रोक दो। क्या? क्यों बाद में बता दो, पहले जो बोला वो कर। ठीक है ठीक है। ट्रांसफर कैंसिल कर रहा है वो। ए, मेरे थाने पहुंचने तक कैंसिल ऑर्डर टेबल पर होना चाहिए, समझा? ये क्या किया आपने? उसके कहने पे फोन कर दिया। आप कहो तो उसको बम से उड़ा दूं। सुन बे, तू तो मेरा ट्रांसफर नहीं करवा सका, अब मैं तुझे शहर में नहीं रहने दूंगा। तू बम लगा। हेलो शिवमणि यार। हेलो, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। हाँ, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वही प्रॉब्लम है। देखो बहुत से लोग मुझे जरूरी फोन करते हैं, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूंगी। I love you. What? आप भी I love you कह दीजिए तो एक काम आसान हो जाएगा। ए, देखो मैं थोड़ा पागल हूँ, मेरे बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ, समझी? आपके बारे में मतलब? वही I love you कहना। क्या कहना? I love you. Thanks. हाँ? अरे इसने तो मुझसे I love you बुलवा ही लिया। मेरी कसम खाकर कहो, इस साल तुम शादी कर रहे हो। माँ ये क्या कह रहे हो, भगवान के सामने कैसी बातें कर रहे हो? अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा माँ। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें बताओ? अब कैसे बताओ कैसी होनी चाहिए? देखने में अच्छी होनी चाहिए, आंख नाक सलामत हो, हाथ पैर भी हो तो बेहतर है।
ऑडियो कैसेट ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन ध्यान से नहीं देखा था, हाथ पैर तो सही सलामत हैं। क्यों रे? वो लड़की पसंद आई? पसंद आई मतलब देखने में ठीक ठाक है। ठीक, तुम जाओ। और तुम? मैं आती हूँ, तुम जाओ। जाओ भी। मेरे अंगने में बैठो 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 बैठो। खाते समय उठना नहीं चाहिए। मुझे दे रे, दे रे। आम का अचार अच्छा है रे, और थोड़ा दे दे। बीवी ने बनाया क्या? क्यों रे, काम बंद कर रहे हो क्या? हाँ भैया, काम छोड़ना चाहता हूँ। तेरी तो क्या रे, शिवमणि से डर गया क्या? गलती तुम्हारी नहीं है, आदमी बदलने का असली कारण औरत होती है। भैया छोड़ दो उसे, भैया छोड़ दो भैया। तू नहीं जानता रे, मर्द को यही बर्बाद कर देती है। भैया उसका कोई कसूर नहीं है भैया, छोड़ दो उसको भैया। तू तेरा है ना, क्या रे तुझे क्या कमी किया मैंने? खाने को खाना, रहने को घर, और चाह तो इससे शादी भी करवाया। अब सब कुछ मिल गया तो ईमानदार बन गया। ईमानदार मार डालूंगा, कहीं का नहीं रखूंगा। कल 10 बजे से पहले काम पर आ जाना, चलते हैं। आम का अचार बहुत अच्छा, बिल्कुल तेरे जैसा। अगर वो तेरी बात ना माने ना, आ जाना, रख लूंगा, पेड़ भी भर दूंगा रे तेरा। नहीं भैया, सोच ले, बीवी को बर्बाद मत होने देना। मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ सर। दत्तू के सब धंधों के बारे में मुझे पता है, उन सब का गवाह मैं ही हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन उसे छोड़िएगा मत सर। तुमने गाना किससे सीखा? अरे मनी, ये वसंता मेरी मंदिर की दोस्त। बाथरूम सिंगर तुम? ये आपका घर है? हाँ। ₹500 नहीं, ₹1,000 दिए थे। ये क्या बेटी, तुम पैसे क्यों दे रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, एक बार म्यूजिक शॉप में मिले थे। ओ, इसे गाना बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छा गाना गाती है। सुनो बेटी, उस दिन मंदिर में जो गाया था उसे सुनाओ ना एक बार। मामा, ये क्या कर रही हो? अरे जरा रुको, क्या है? मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बताओ भी? इस लड़की को क्यों लेकर आई हो? तुम्हें ये लड़की पसंद है ना, इसलिए इसको घर लेकर आई हूँ। माँ, इसको वो बात बता दी क्या? अब तक तो नहीं, अब बताओ। जब से इसे मंदिर में देखा है, बहू बनाने का मन कर रहा है। तुझे पसंद है, एक दूसरे को जानते भी हो, देखो कितनी चीजें मिल रही है ना। बेटा तुम गाना पसंद करते हो और वो अच्छा गाना गाती है, कितने विचार मिलते हैं तुम दोनों के। बेटी वो मंदिर में जो गाया था वो गाना नहीं माँ, मैंने उसका गाना सुना था, बहुत खराब गाती है, उसकी आवाज हम लोग नहीं सुन पाए। हमारी इतनी शांत जिंदगी है, उसे लाकर अशांति मत फैलाओ मेरी मुँह। रामा 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 न्यारी आपकी महिमा। सॉरी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। दुखी कर दिया ना, सॉरी यार, वेरी सॉरी। ओके, बुरा मत मानना मेरी बात का। ओके, कॉफी पियोगी? माँ अच्छी सी कॉफी बना के लाना। माँ बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। ओके सॉरी। हाँ हाँ, I like very much. I like your voice. You are very nice.